नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई स्कॉलरशिप के बारे में। यदि आप भी बिहार से आईटीआई की पढ़ाई कर रहे हैं, या तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लेकिन आपका सेशन जो है 2021 से 2023 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और 2022 से 2024 यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनका एडमिशन इस साल हुआ है, ठीक है, उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसका ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, और यह स्कॉलरशिप कौन कौन से स्टूडेंट को मिलेगा और कितना पैसा मिलेगा इसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि जो सूचना जारी किया गया उसके बारे में। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यह सूचना बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन सभी लोग को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आप सभी लोग ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो एसी से, ठीक है, एसटी से, ठीक है, ओबीसी से, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस से, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, इतने कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, मेल हो फीमेल हो, सभी लोग आप लोग आईटीआई की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप का। ठीक है, यह जो है फॉर्म आप लोग कब से फिलअप कर सकते हैं, तो 5 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक इसका ऑनलाइन आवेदन देकर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन आवेदन देने के लिए सबसे पहले आप लोग के पास क्या क्या होना जरूरी है, तो जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। आय प्रमाण पत्र जो आपका होना चाहिए वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए और वैलिड आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आपके नाम से नहीं, आपके पिताजी के नाम से आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो इस सभी डॉक्यूमेंट को अभी से ही जुटाकर अपने पास रख ले, ताकि फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई भी परेशानी कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके अलावा आप लोगों को बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फीस रसीद और विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जो कि आपको आने वाले वीडियो में बताया जाएगा। इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप होगा उसके लिए प्रॉपर वीडियो आएगा, तो उसे देखकर ही स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करें। अब बात कर लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप करने में आपको कितने पैसे मिलेंगे स्कॉलरशिप के तौर पे। तो लगभग लगभग आपको 3600 के करीब में आपको पैसा दिया जाता है। आप मान सकते हैं कि 3000 प्लस आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, स्कॉलरशिप के तौर पर। ये 1 साल और 2 साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को मिलता है, ठीक है। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात और है कि यदि आप प्राइवेट से आईटीआई कर रहे हैं या सरकारी से आईटीआई कर रहे हैं यानी कि गवर्नमेंट आईटीआई से, आपको उससे मैटर नहीं करता है, आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बस शर्त यह है कि फॉर्म को सही सही फिलअप करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि इससे पहले पिछले स्टूडेंट कौन कौन से फॉर्म फिलअप किए थे, उनको कितना स्कॉलरशिप आया था। ऐसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, यह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पोर्टल है। इसमें आप लोग आकर कितने लोग फॉर्म फिलअप किए हैं स्कॉलरशिप का, उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टेट में अपना बिहार राज्य चूज कर लेना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप अपना अनुसार अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट में आप यहाँ पर देख पाइएगा, विभिन्न प्रकार के आपको इंस्टीट्यूट दिखाई देंगे, लेकिन आप अपना इंस्टीट्यूट यहाँ से चूज कर लीजिएगा। जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा आप यहां पर देख पाइएगा, आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो आईटीआई का या आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो आईटीआई का, आप यहां पर देख पाएंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है आईटीआई का वो भी दिखा रहा है, और गवर्नमेंट आईटीआई का इंस्टीट्यूट है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आप यहां पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आप यहां पर देख पाएंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बक्सर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आप अपने अनुसार यहां पर चूज कर लीजिएगा। करने के बाद आपको यहां पर देखिएगा सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जितने भी आपके स्टूडेंट होंगे इंस्टीट्यूट के, जितने लोगों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया होगा, सारा विवरण खुलकर नीचे के साइड में आ जाएगा, आप यहां से चेक कर पाएंगे, ठीक है। आप यहां पर देख पाएंगे, टोटल यहां पर देख पाइएगा 117 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था प्रीवियस स्टूडेंट, ठीक है, इन लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दिया गया है।
सभी लोग को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दिया गया है। जिनका भी स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड हुआ अभी तक, उनको अगले प्रोसेस में मिल जाएगा। तो आप लोग फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसका वीडियो आएगा, तो उसे देखकर फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तो आपका भी स्कॉलरशिप आ जाएगा। धन्यवाद।